अब खबर है कोरपना तहसील से, जहां गांव वासियों ने रास्ते पर पुल के निर्माण की मांग की। कोरपना तहसील के किस गांव के नागरिकों ने कौन से रास्ते पर पुल के निर्माण की मांग की, आइए जानते हैं इस खबर में। कोरपना तहसील के नारंडा चिरज इस रास्ते पर नाला होने के कारण नाले पर वर्ष भर पानी रहता है, जिसके कारण इस परिसर के किसानों को खेत में जाने के लिए इस नाले से यात्रा करनी पड़ती है। किसानों को लगने वाले खेत में बीज तथा खाद बैलगाड़ी से ले जाना पड़ता है। इसके अलावा अन्य खेती उपयोगी साहित्य ले जाने में किसानों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को भी यहाँ से यात्रा करते समय अपना प्राण धोखे में रखकर यात्रा करना पड़ता है। ऐसी अनेक परेशानियों से इस परिसर के नागरिकों को गुजरना पड़ता है, और जिसके चलते इस रास्ते पर पुल का निर्माण करने की मांग कई बार इस परिसर के नागरिकों ने की, मगर अभी तक दुर्लक्ष किया गया है। तो सुनिए इस संबंध में नारंडा गांववासी राजू खाड़े, सुदम मालेकर, सचिन गोकर, कपिल गोखरे, सुनील डोंगरे, धनराज कांगरे आदि ने क्या मांग की है स्वयं जीवानी। हाँ, मी सचिन प्रभाकर गोकर, नारंडा ते शहरद रोड जाणाऱ्या बौद्ध पावसाळ्यात बिन आम्हाला खात वगैरे पुरे वावरातच नेऊन ठेवावं लागते। रस्ता कसाच नाही जाणू जाऊ, बंडी नाही जाणार, काहीच नाही जाणार, अशा परिस्थितीत खूप काही आम्ही निवेदन घेऊन दिले, पण त्या निवेदनाच्या अद्याप काही आम्हाला हे अंमलबजावणी लाभ काही मिळाला नाही, म्हणून येथून तरी आमचे अजून आज झाली पाहिजे अशी आमची समज आहे। राजू नत्तू खाडे, माझे सरपंच नारंडा। नारंडा ते शहरात ह्या नाल्यामुळे कास्तकारांना जाण्यास खूप मोठी अडचण आहे। पावसामध्ये कंबरभर पाणी असते, एकटी बाई शेतामध्ये जाण्यास भीते आणि जातही नाही। नारंडा ते शेरज पांदन रस्ता ह्या नाल्याचं पूल झालं पाहिजे, कारण कास्तकाराला जाण्यात खूपच अडचण आहे। पावसामध्ये कंबरभर पाणी असते तिथं, कधी कधी आहे ना बाया तिकडे तिकडे लटकते, रात्रभर मुक्कामी राहते। आमचे कास्तकार इकडं जाणारे नारंडा ते शेरज रोड ह्या शेती आमच्या नाल्याच्या वरच्या बाजूला असल्यामुळं जाऊ शकत नाही, किंवा एवढी परिस्थिती खराब राहते का, सामोरून जर आमच्या माय बहिणी आल्या किंवा आपण जर पुरुष माणूस इकडून आलं तर त्या बायातवरी वाटे घोस्ते साहेब अशा, ते आम्हाला सर्व दृश्य पाहून बेकार वाटते। मग आता हे कारस्थानं असे होऊन गेले का, येथून जाण्यास सापड असते कोणाले, बैलबंडी जात नाही, बैल जात नाही, बंडी जात नाही, माणसं जात नाही, बाया जात नाही। कोण्या वेळेस आम्हाला शरदली मुकाम कर आपल्या लोणीले मुकाम करावं लागते, तर कवा कवा कधी कधी पिपरीले मुकाम करावं लागते। आम्ही गेलतो चंद्रपूरला, दोन तीन डाव भेटलो, सुधीर भाऊले भेटलो, हंसराज भाऊले भेटलो, तरी त्याच्यावर कोणीच काही ऑब्जेक्शन घेतलं नाही, न पूल काही झालं नाही आमचं। सी टी व्ही के लिए हमारे प्रतिनिधि मनोज गोरे की रिपोर्ट।